लिंक रोड वाला जो एरिया है वो फ्लड कंट्रोल के अंदर आता है, वहाँ बाथरूम बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी दो बाथरूम बने हुए हैं, उनमें सफाई है ही नहीं, एक बाथरूम पे ताला पड़ा हुआ है और दूसरा बाथरूम गंदा है। पब्लिक जो भी है बस स्टैंड में आती है, लिंक रोड पे बाथरूम करने या टॉयलेट जाने कौन जाएगा, सवारी जितनी भी है बाज़ार में आती है, बाथरूम का फ़ायदा बाज़ार में है, तो बाथरूम बाज़ार में बनना चाहिए ना कि लिंक रोड पर, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है हमें वहाँ पर। इसलिए जो भी हो बाज़ार में नया बाथरूम बनाया जाए, पब्लिक को आने जाने में यहाँ दिक्कत होती है, यहाँ बाथरूम होगा बाज़ार में गंदगी नहीं होगी, साफ़ सफाई होगी, म्युनिसिपल कमेटी का यही फ़ायदा है। थाथरी म्यूनसिपलिटी में जो दो ऑलरेडी बाथरूम बने हुए हैं वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, एक में ताला लगा है, दूसरे भी मतलब बहुत गंद पड़ी हुई होती है, और आज की डेट में जो म्यूनसिपलिटी थाथरी बाथरूम बना रहे हैं नई कंस्ट्रक्शन उसकी हो रही है वो तमाम एरिया जो फ्लड कंट्रोल के जोन में आ रहा है। उससे पहले भी एक दो बार यहाँ पर फ्लड आए हैं, उसमें ब्लॉक दफ्तर था 1999 में वो मतलब फ्लड के ज़रिए से बह गया था, और आज की डेट में जो 14 लाख रुपए वहाँ पे ज़ाया हो रहा है वो लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बन रहा है। लिहाजा थाथरी की जो म्यूनसिपल कमेटी के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वहाँ से वो बाथरूम हटाया जाए और उसकी कंस्ट्रक्शन कहीं दूसरी जगह पे लोगों की मर्ज़ी से होनी चाहिए। जो दो बाथरूम यहाँ पे बने हैं वो फंक्शन कोई नहीं कर रहे हैं, तो बाकी साइड में बनाने का मतलब ही नहीं बाथरूम बनाने का। सिटी में होनी चाहिए, सिटी में पब्लिक होती है, कोई बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं, यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं उस चीज़ की। सर आप हमें बताएं जो बाथरूम बन रहे हैं लिंक रोड पे इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पहले ही बाथरूम बने हुए हैं, अगर उन्हीं को चालू किया जाए तो वो सबसे अच्छा रहेगा। वो जो बाथरूम बन रही है वो फ्लड कंट्रोल के एरिया है, वहाँ पर बाथरूम नहीं बनने चाहिए। अच्छा, तो साहब हमें बताएं कि जो थाथरी में डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं आपकी तरफ से? अभी नेवली इलेक्टेड मेंबरान ने जिस वक्त म्यूनसिपलिटी का चार्ज संभाला तो यहाँ का जो बजट है म्यूनसिपलिटी का वो बिल्कुल ज़ीरो पे है। हमारे जो सफाई कर्मचारी है तो उनके लिए तनख्वाह वागजार करना बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो म्यूनसिपलिटी में जो कारोबार कर रहे हैं वो टैक्स देने के लिए राज़ी नहीं है। काफ़ी कोशिश के बावजूद जब हमने यहाँ पे बाज़ार का चक्कर पिछली दफ़ा लगाया तो 560 दुकानों में से सिर्फ 3 दुकानदार ऐसे थे जिन्होंने म्यूनसिपलिटी का लाइसेंस बनाया था, तो इस सिलसिले में हमने कदम उठाया है। तो हमने जब बाज़ार का चक्कर लगाया तो 560 दुकानों में से सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जिनके पास लाइसेंस म्यूनसिपलिटी के थे, जो कि चूंकि यह सेल्फ गवर्नमेंट है यहाँ पे इनकम जनरेट जो है वो करनी पड़ेगी, लोगों को टैक्स अदा करने पड़ेंगे तभी जाकर यहाँ पे सफाई हो सकती है और बाकी डेवलपमेंट काम हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर लोग ही इस चीज़ को अवॉइड करेंगे टैक्स देने से तो इस सूरत में जो है म्यूनसिपलिटी की इनकम जब तक नहीं होगी तब तक यहाँ पे साफ सफाई का जो सिस्टम है वो पूरे तरीके से नहीं होगा। ये जो लिंक रोड पे टॉयलेट बन रहे हैं, लोगों का बताना है कि ये लोकेशन सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर फ्लड्स वगैरह भी आते हैं, दरिया भी ऊपर चढ़ता है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअल में जितने भी ये लोग हैं ये बाहर म्यूनसिपलिटी के जो बाहर लोग हैं जो म्यूनसिपलिटी की जुडिशन है उसके बाहर के लोगों का ये अफवाहें फैलाना है, उनका काम सिर्फ अफवाह फैलाना है। इससे पहले भी जब ये सर्कुलर रोड बन रही थी तो काफ़ी लोगों ने शोर उठाया था कि एक दरिया के किनारे बन रही है रोड, तो आपने देखा, लोगों ने भी देखा कि ये एक सर्कुलर रोड जब तैयार होगी तो फ्लड लेवल से काफ़ी दूर है ये जो बाथरूम बन रहा है, क्योंकि ये लोगों की जहानत जो है, कहीं लोगों की, सब लोगों की मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके दुकानें बंद होगी जब यहां म्यूनसिपलिटी के रिप्रेजेंटेटिव बन गए, उन्होंने जो दबाव बनाया था एडमिनिस्ट्रेशन पे और अपनी जो दुकानें चला रहे थे तो वो दुकानें जब बंद होगी तो उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा कि इसको एडवर्टाइज़ किया जाए कि ये गलत बन रहा है। तो बहरहाल ये स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत ये बाथरूम बन रहे हैं, टॉयलेट बन रहे हैं, चूँकि ये एरिया जो है ये काफ़ी पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे लैंड जो है बहुत ही कम है और स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पे जो बाथरूम बनाए जा रहे हैं उसके लिए हमने लोगों को कहा कि 20x25 का रकबा दीजिए तो हम ये बाथरूम जो है वो बनाएंगे, लेकिन
लोग जो हैं इसके लिए तैयार नहीं थे अपना रकबा देने के लिए, तो हमारे पास ऑप्शन एक ही था कि स्टेट लैंड पे हम बनाएं, और हम बना रहे हैं इसको। फ्लड का कोई बात नहीं है, फ्लड तो यहाँ से काफ़ी दूर है, यहाँ ये लोगों की जो अफवाहें हैं चांद जिनकी दुकानें बंद होगी। सर एक और क्वेश्चन कि जो लोगों का कहना है जो ऑलरेडी बाथरूम बने हैं, जो टॉयलेट्स बने हैं, तो वो फंक्शनल नहीं है, तो उसके बारे में क्या बताना है? एक्चुअल में हमारे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में ये सितम ज़रीफ़ी है कि लोग जो है गवर्नमेंट को ही ज़िम्मेदार ठहराते हैं। एक आदमी जब बाथरूम में जाता है तो वो सिगरेट लेकर जाता है, वो पान लेकर जाता है, वो चुटकी लेकर जाता है, उस वक़्त उसको ये ख्याल नहीं रहता है कि ये जो बाथरूम है यहाँ पे ना मैंने सिगरेट पीना है ना पानी पान खाना है, तो वो उसी जगह थूकता भी है और उस जगह पे पानी इस्तेमाल नहीं करता है। ये लोगों की जिम्मेवारी है, गवर्नमेंट का काम है टॉयलेट बनाना और लोगों की जिम्मेवारी है कि साफ़ सफाई का ख्याल रखना, और जब बाथरूम में जाए पहले तो वो अपने आप को ठीक करे, जब वो अपने आप को ठीक करेगा उसके बाद ही गवर्नमेंट जो है जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो ये चीज़ें बना रहा है, तो आप देखिए ज़रा, आप इस वक्त मेरे पास आए हैं, आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने एक टॉयलेट बनाया है, अभी इसको खोला नहीं है, लेकिन लोगों ने वहाँ पे जाकर जो गंदगी फैलाई है आप ज़रा उस पर उस जगह पे भी देखिए कि जो साइड पे यूरिनल प्लेस है जिसको कि खुला रखा हुआ था, जिसका गेट नहीं है, तो आप जाकर पहले उसकी फ़ोटोग्राफी कीजिए। आप तनकीद तो करिए लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। उन लोगों से भी पूछिए जो वहाँ पे टॉयलेट में जाते हैं, और पानी जब हमें अभी वहाँ पे उसको फंक्शन ही नहीं करवाया, अभी लॉक है और लोगों ने वहाँ टटियाँ करनी शुरू कर दी, तो वो कौन उठाएगा? तो ये तो लोगों को अवेयरनेस करना है, लोगों को एजुकेट करना है, तो एजुकेशन ज़रूरी है। मॉरल एजुकेशन के बगैर लोग जो हैं जिनकी दुकानें बंद होगी है वो म्यूनिसपैलिटी के खिलाफ जो हैं वो जो अफवाहें फैला रहे हैं, और इंशाल्लाह उनके मुंह बंद जल्दी हम करने वाले हैं जब यहाँ पे तमाम टैक्सेस जो म्यूनिसपैलिटी इम्पोज करने वाली है, ताकि आने वाले वक्त में हमारी म्यूनिसपैलिटी जो है साफ सफाई में एक नंबर पर होगी। शुक्रिया असगर साहब, आप हमें बताएं कि जो यहाँ पर टॉयलेट्स बन रहे हैं टाउन में लिंक रोड पे, तो इसके बारे में लोगों का कहना है कि ये लोकेशन सही नहीं है टॉयलेट्स के लिए, ये बाज़ार में बनने चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए फ़िलहाल तो ये लफ्ज़ ही गलत है कि टॉयलेट जो है बाज़ार में बनना चाहिए, टॉयलेट बाज़ार में बनता ही नहीं है। अगर कहीं बनता है तो जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं इसके लिए 20x25 का स्क्वायर फुट का रकबा हमें दरकार है। अगर 20x15 भी कहीं बीज बाज़ार में 7 वार्डों में किसी भी जगह लोग फराहम करेंगे, चाहे वो मलकियत में करें या स्टेट लैंड में, तो हम फिलफोर आज से ही काम वहाँ शुरू करते हैं। तो रही बात ये फ्लड एरिया की, तो जब हम हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब के पास जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाते हैं, तो ठाठरी आलमोस्ट जितना भी ठाठरी है ये पूरे का पूरा ही जो है फ्लड एरिया में है। तो फ्लड जहाँ आना होता है, आपने देखा आज से 2-3 साल पहले यहाँ जामा मस्जिद के करीब जो नाला है फ्लड आया था, तो ये इतने मकान बने हैं तो ये भी तो फ्लड जोन में है, तो नुकसान वहाँ हुआ वहाँ नहीं हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ सर्कुलर रोड का काम जब मैंने खुद यहाँ इस पर कदम उठाया था, शुरू किया था, तो यहाँ म्यूनसिपल्टी से बाहर रहने वाले लोगों ने इस पर विजिलेंस भी किया था, इस पर हमने केस भी उठा कि भाई आप लोग जो हो यहाँ करोड़ों रुपया जो है दरियाए चिनाब के किनारे आप लगा रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए कि कितना खूबसूरत बना हुआ है ये इस सर्कुलर रोड की वजह से। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले महीनों में हम इस सर्कुलर रोड को कुशादा करने जा रहे हैं, जो यहाँ ये टॉयलेट बाथरूम बन रहे हैं इसके बराबर हम इस सड़क को कुशादा करने जा रहे हैं, और बस स्टैंड को भी जो हम इसी साइड पे मुंतकिल करने की प्लानिंग बना रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी SDM साहब ठाठरी को, तहसीलदार साहब ठाठरी को, और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डोडा साहब को ऑलरेडी इसमें हमने एक लेटर भी लिखा है कि हमें ये ओकेपाई करके दीजिए, और कुछ रकबा यहाँ लोगों ने सड़क के नीचे ओकेपाई किया है उसको भी हम हटाने जा रहे हैं। तो उससे पहले जो लोग ये बताते हैं, जिनको ये इतनी फिक्र है कि काल को ये बाथरूम जो दरियाए चिनाब की नज़र हो जाएगा,
तो ये जो सड़क के नीचे जो मकान बने हैं, तो क्या उन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है कि इन इंसानों को उन्होंने इस जगह बसने दिया है? तो ये तो सिर्फ एक तनकीद है, क्योंकि सियासी दुकान उन लोगों की बंद हो गई है, ये तनकीद है। इसलिए हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, हम डेवलपमेंट करते जाएंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें हम दिन ब दिन इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। असगर साहब, लोगों का ये भी कहना है जो बाजार में बाथरूम बने हुए हैं, ऑलरेडी टॉयलेट बने हुए, वो फंक्शनल क्यों नहीं है? और वहाँ पर देखिए, म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन आज से 2 या 3 महीने पहले हुए। ये जो बाथरूम सलब का बाथरूम बना है, ये आज से 10 साल पहले बना हुआ है। इसमें भी हमने ऑलरेडी आज से 3 दिन पहले लेटर निकाला है तहसीलदार साहब को और अपने इंजीनियर को कि इसको, क्योंकि उसकी बदबू जो है आज हॉस्पिटल में भी आ रही है, लोगों को वहाँ से चलना मुश्किल हो रहा है। और विद इन, मैं तो ज़्यादा से विद इन वीक टाइम तो नहीं होगा, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर हम उसको डिसमेंटल करने जा रहे हैं ताकि लोगों को राहत हो। और उसका ऑप्शन जो है वो म्यूनसिपलिटी ऑफिस के सामने हमने एक दूसरा बाथरूम बनाया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से लोग वहाँ, अभी वो फंक्शन हुआ नहीं, अभी उसमें पानी का इंतज़ाम करना था, टैंकियाँ उसमें फिट करनी थी, तो उससे पहले ही लोगों ने वो गंदगी से वहाँ भर दिया है। तो बहरहाल लोग वो करते रहेंगे, लेकिन हमने सफाई का ख्याल रखना है और हम उसको विद इन 1 मंथ जो है फंक्शनल करने जा रहे हैं। और जो पहले बाथरूम बना है, क्योंकि उसका पिट भी जो है सोकेज पिट वो भर चुका है, ऐसे भी फंक्शन ठीक नहीं कर रहा है, तो उसको हम डिसमेंटल करके वहाँ लोगों को राहत देने जा रहे हैं।